नर सेवा ही नारायण की सेवा है, और इस बात को बार बार सिद्ध करता है एक एनजीओ जो चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, बेसहारा लोगों के लिए सामने खड़ा रहता है। जी हाँ, एक बार मैं फिर से बात कर रहा हूँ प्रयाग फाउंडेशन की। प्रयाग फाउंडेशन एक एनजीओ है जो देश के 7 राज्यों में काम कर रही है। बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रयाग फाउंडेशन ने असहाय एवं बेसहारा लोगों को, जो खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर कंबल वितरण किया। प्रयाग फाउंडेशन परिवार ने देश के 7 राज्यों के 25 जिलों में कंबल वितरण कर बेसहारा लोगों को ठंड से बचाने का कार्य किया। कंबल वितरण कार्यक्रम 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलाया गया। इसी क्रम में 14 जनवरी को प्रयाग फाउंडेशन की जिला इकाई गुरुग्राम की तरफ से विष्णु गार्डन में कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के चेयरमैन अमृतलाल यादव, ट्रस्टी अरुण कुमार, मनोज कुमार, जिला गुरुग्राम टीम से नारायण शर्मा, सतपाल चौधरी, एसएन शर्मा, अनुपंघाल, शर्मिला यादव, सुमित कुमार, कुलदीप और कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में 101 लाभार्थियों के बीच में कंबल वितरण किया गया। अगर आपको भी कुछ ऐसे लोग मिलते हैं तो उनकी मदद किया कीजिए। प्रयाग फाउंडेशन के इन कार्यों के लिए पिछले साल उन्हें नेशनल मिनिस्ट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रयाग फाउंडेशन लॉकडाउन के दौरान भी लोगों की मदद करता नजर आया था। ज़रूरी है कि आप समझें कि अगर आपके आसपास में कोई भूखा है तो उसको रोटी देना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर किसी के तन पे कपड़ा नहीं है तो उसके तन को ढक देना ही सबसे बड़ा पुण्य है, और यही पुण्य आपको स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचाएगा। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को जपते रहें। मैं आपके साथ हूँ प्रभात, कैमरे के पीछे हैं रोहित, आप देख रहे हैं निशा। धन्यवाद।